नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com और लल्लनटॉप की चुनाव यात्रा फिलहाल डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में थोड़ा वक्त निकाल के हम लोग एक घर में आए हैं, है ना। अब वो क्लीशेड लाइन आपने खूब सुनी है, एक बंगला बने न्यारा, लेकिन वो कितना न्यारा हो सकता है, है ना। जो आजकल के सपने हैं हमारे कि हम एक बड़े शहर में जाना चाहते हैं, 5 अंकों में कमाना चाहते हैं, और उसके बाद बड़ी कोशिशों के बाद हम 17वें या 18वें या 19वें या 20वें फ्लोर पे एक फ्लैट ले पाते हैं और कितने खुश होते हैं, वो एक बहस का मुद्दा है। लेकिन एक घर ये भी है डूंगरपुर में, और ये भी ऐसे ही दो लोगों ने मिलकर बनाया है जो वैसे ही सपने रखते थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन उनकी जो चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में चाहते थे वो कुछ और थी। फ़िलहाल उनके घर के बारे में बात करेंगे। इस घर के बारे में हमें ये बताया गया है कि इस घर में जो पीने का पानी है आप लोग बाहर से नहीं लेते हैं, ठीक है। पूरा जो कुदरत इन्हें देती है, जो बारिश का पानी आता है, वो उसी को ये लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। जो भी पानी इस घर से निस्तार होता है इस्तेमाल के बाद, वो सारा इस घर में इस्तेमाल हो जाता है। और उससे ज़्यादा ये कि इस घर में कहीं भी जो आज कल जिस तरह के घर बनते हैं, जो बीम वाले कॉन्क्रीट और उसके अंदर जो स्टील इस्तेमाल होता है, उस तरह से इस घर को नहीं बनाया गया। इस घर को वैसे बनाया गया जैसे हज़ारों हज़ार साल से राजस्थान में और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में घर बनते रहे। ये आशीष का घर है और आशीष से हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हम लोगों को और हम सब दोस्तों की तरफ से भी। मैं दो आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। पहले हम आपके घर के बारे में समझना चाहते हैं कि ये जो बाहर से जैसा दिख रहा है ये इतना सिंपल नहीं है। इसको महीनों महीनों तक आपने रिसर्च किया है, महीनों महीनों की प्लानिंग है, और उसके बाद आपने बनाया है इसे अपने हाथ से। इस घर में क्या चीज़ खास है, ये बाकी जो घर दिख रहे हैं उनसे कैसे अलग है और ये कैसे बना है? बेसिकली हमारा ये मकसद था कि यहाँ के जो लोकल मटेरियल्स हैं उससे हम घर बनाएं, ताकि ये घर यहाँ का लगे, कहीं और से चिपकाया हुआ घर नहीं लगे। तो आजकल के जैसे आरसीसी बीम कॉलम वाले घर हैं, वो सब लोग एक वही मॉडल देख के दूसरी जगह भी वही करते रहते हैं। तो हमने थोड़ा समय यहाँ निकाला, यहाँ के आसपास के गाँव में और पुराने शहर में हम घूमे, तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे पत्थर के घर बहुत बनते थे। अभी भी ये पत्थर के खान यहाँ के 5-10 किलोमीटर दूर पे मिलते हैं। तो थोड़ा रिसर्च के बाद समझ में आया कि दो तरह के पत्थर चलते हैं यहाँ, घूघरा और बलवाड़ा का, और छत भी यहाँ इसी बलवाड़ा पत्थर से बनते थे। तो हमने कहा क्यों नहीं हम इसका बनाएं बजाय आरसीसी के छत और ये सब जो है, और इसकी उम्र जो है मतलब हज़ारों साल की है। आप देखेंगे पुराने शहर में हज़ारों साल के हवेलियाँ अभी भी खड़ी है, बिल्कुल वैसे के वैसी, और दिखने में भी सुंदर है, और यहाँ के लोकल मटेरियल से ये यहाँ का घर भी दिखेगा। तो इस कारण से हमने ये डिज़ाइन निकाला। दूसरा, इसमें जो हमने मोर्टर यूज़ किया है, वैसे तो सीमेंट की मोर्टर चलती है, यहाँ हमने चूने से बनाया, और बाहर से इसको मतलब कोरी मंडाई कहते हैं, जिसमें माल इसको करीब चल के देख सकते हैं। एक छोटा टूर हमको मिल सकता है आपके घर का? आइए चलिए आ जाता है। हाँ, बेसिकली इसको कोरी मंडाई कहते हैं, जिसमें माल कम दिखता है ऊपर, और इसकी जो पत्थर की जो खूबी है इसकी मेसनरी में वो दिखता है ज़्यादा। तो यहाँ कुछ कारीगर अभी भी ये काम करते हैं, ज़्यादातर लोग अब ईंट और इसमें आ गए हैं, पर थोड़ा बहुत हमने ढूंढा और लोगों को ऐसे कारीगर हमें मिले 4 जिन्होंने ये करके हमें दिखाया। तो इसमें पॉइंट ये है कि इसको आपको प्लास्टर वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ये दीवार ही 15 इंच मोटी है, और अंदर से हमने इसको प्लास्टर किया और बाहर इसको ऐसे ही रहने दिया, ताकि इसकी जो खूबसूरती दिखे हम सबको। अच्छा, ये इसको बाहर से ऐसा एक्सपोज्ड रखने की का कारण है। अच्छा, आप देखेंगे आजकल लोग टाइल चिपकाते हैं इसी फिनिश, यही फिनिश लाने के लिए। ये टाइल चिपकाया हुआ नहीं है, ये जो दीवार है वैसे ही दीवार आपको दिख रही है ना। अच्छा, ये मतलब आपने चुनवाया ही इसको वैसे, ठीक है। आजकल लोग यही डिजाइन चाहते हैं, पर अंदर ईंट का बना देते हैं, ऊपर टाइल चिपका देते हैं। सो ये फर्जीवाड़ा हमें नहीं करना था, बिल्कुल सही। हमें ये चाहिए था कि जो है वैसे ही दिखे। तो इस ये मतलब ये दीवार लोड भी ले रही है, और ये दीवार जैसा है वैसे ही दिख रहा है आपको, ठीक है। और इस घर को जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सोच समझने के बाद में बनाया गया है। तो आशीष, आपने बताया था जब हमारी बात हो रही थी कि आपने बहुत सारी मदद कुदरत से भी ली है कि जिस ज्योग्राफी में, जिस जगह पे बना है, जिस स्थान पे बना है, वहाँ पे हवा की दिशा क्या है, वहाँ पे रोशनी की दिशा क्या है, और उन सारी चीज़ों को आपने, उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को
आपकी जो पढ़ाई हुई है सिविल इंजीनियरिंग की बिट्स से, है ना, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, उसमें उसके साथ मिला के इस घर को बनाया है, तो वो चीज़ हम अंदर से भी देखना चाह रहे हैं। हाँ ठीक। बेसिकली डायरेक्शंस में तीन चीज़ें हमें देखनी है कुदरत के हिसाब से, एक तो सन, एक विंड और एक लाइट। ठीक है, तो यहाँ विंड की जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो बेसिकली ये डायरेक्शन है रोड की तरफ। और जो धूप है वो गर्मी में जो है ज़्यादातर धूप साउथ की तरफ से आता है। अच्छा, अभी घर का फेस किस तरफ? अभी हम साउथ वेस्ट खड़े हैं। अच्छा। ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ है ना, ये कौन है ये तरफ? तो एसेंशियली वेस्ट फेसिंग है इन दैट सेंस। सो हमने हमारा जो साउथ का पोर्शन है उसको एक छोटा सा मुझे एक इंटरप्शन देना था। हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में लगे कि ये वास्तु वैसा कुछ जादू है, ठीक है, वास्तु वगैरह नहीं है ना, इसका संबंध कुदरत से है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वास्तु का हमें ज़्यादा ध्यान नहीं है, हमें जो पता है वास्तविक भौगोलिक उसको हमने लिया है, है ना, जो है हवा की दिशा और धूप की दिशा, है ना। तो हवा की दिशा ये है, तो क्योंकि हवा की दिशा साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट है, इस जगह में थोड़ा बहुत फर्क होता है जगह से जगह, उस इसलिए हमने इस दिशा में जो हमारी खिड़कियां हैं उसको हमने लूवर के रूप में डिजाइन किया। आप चलते हैं अंदर वो भी देखते हैं। हाँ। आ जाओ भाई। नहीं चलेगा चलेगा, जैसा घर है वैसा ही दिखे तो बेहतर है, है ना। बेसिकली ये पुराने टाइम में बनते थे ऐसे खिड़कियाँ, इसको लूवर कहते हैं। बेसिकली इट्स एन एडजस्टेबल विंडो एंड द पॉइंट ये है कि हवा को हमें अगर नहीं रोकना है और साथ में ग्लेयर को रोकना है, है ना, रोशनी सूरज की चमक। हाँ मतलब जो ग्लेयर है, सूरज तो आएगी, लाइट तो आएगा, पर जो तेज धूप जो है खासकर गर्मी में, तो दोनों इसी दिशा में है। इस कारण से हमने इसको लूवर की तरह से डिजाइन किया ताकि गर्मियों में जब हमें हवा चाहिए हम इसको आधा जैसे खोल सकते हैं और ग्लेयर को रोक सकते हैं। सो यू हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल द विंड एज वेल एज द लाइट यूजिंग दिस फॉर्म। अगर सादा खिड़की होता तो हमें या तो दोनों को आने देना होता या दोनों को बंद करना होता, है ना। सो दिस सो सारे जो हमारे उत्तर और पूर्व में हमने खिड़कियाँ दी है जहाँ से लाइट मिलती है और जिस दिशा में ग्लेयर है उसको हमने, जो हमारा साउथ वेस्ट का फेस है, कुल मिला के 7 लूवर हैं, तो उस दिशा में हमने लूवर दिया है। तो पॉइंट ये है कि आप जब अपना घर बनाते हैं आप ये देखिए कि आपकी हवा किस दिशा में चलती है पूरे साल में और धूप आपको किस दिशा से ज़्यादा आएगी गर्मी में खासकर, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा जैसे साउथ में है तो साउथ को हमने पूरा ब्लैंक कर दिया है, वहाँ पे हमने खिड़की नहीं दी क्योंकि 15 इंच की दीवार उस धूप को बचाएगी, मतलब गर्मी कमरे के अंदर धूप आने नहीं। अच्छा, आपने दीवार की थिकनेस भी वेरी की है आपके? 15 इंच, वैसे यहाँ पत्थर की दीवार 15 इंच के बनते हैं, पहले ये 2 फीट के बनते थे। अच्छा। पर उतनी ज़रूरत नहीं थी, आजकल ये 15 इंच 18 इंच तक की बनती है, प्लास्टर के साथ ही 16 इंच। तो वो एक कारण है लोग आजकल इसलिए नहीं बनाना चाहते कि पत्थर की दीवारें ज़्यादा जगह लेती हैं, पर हमारे केस में जगह तो लेती है पर ये लोड भी ले रही है। तो इसका 15 इंच होने का कारण यह है कि ये वजन भी ले रहा है, पूरे मकान का वजन जो है पत्थर की नींव और पत्थर की दीवार पे ही टिका है। अब आपने जो हमको पहले बताया था, आज अभी हम लोग किड्स जोन में है क्या घर के? हाँ, वैसे ये बैठक है हमारा और आधा जो है बच्चों का हिस्सा है, आधा हमारा है। अच्छा, तो उनके खेल के मतलब बच्चे आते हैं खेलने। अच्छा, अब जो आपने बताया था कि आपने घर को पब्लिक, सेमी पब्लिक और प्राइवेट में बांटा है। हाँ, तीन जोन, मतलब वो तो बेसिक है इन द सेंस, तुरंत घुसते ही ये पब्लिक हुआ, बीच वाला सेमी पब्लिक सेमी प्राइवेट और पीछे वाला जो है प्राइवेट है, जो पीछे के 2 बेडरूम है। अच्छा, वो आप लोग अपने निजी इस्तेमाल में, वो आप जब बनाएंगे नक्शा, काफ़ी आपको पहले थोड़ा समय कागज़ पर ही देना होगा और उसको काट कुटा के आगे पीछे करके, जब वो क्लियर हो जाए कागज़ पर तब जाके फिर मकान बनाना चाहिए। ताकि कितने महीने आपने लगाए थे? लगभग हम 2 आर्किटेक्ट के साथ हमने काम किया, पहले के साथ जमा नहीं, फिर दूसरे के पास गए, तो वो पूरा प्रोसेस हमें उसमें 8-10 महीने लग गए। अच्छा, 8-10 महीने ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करने में, वर्कआउट करने में, जिसमें मटेरियल्स, फॉर्म, डिज़ाइन, लेआउट सब मिला के, और जब तक डिटेल ड्राइंग बन गई तब तक हमें 8-10 महीने लगे। अच्छा, तो पत्थर से दीवार तो बन जाती है आशीष, है ना, वो हमने पहले भी सुना है, छत कैसे बनी है अभी? हाँ, छत हमने यहाँ पट्टियाँ मिलती है, राजस्थान के काफ़ी जगहों में पट्टियाँ मिलती है, तो यहाँ ये बलवाड़ा के पट्टियाँ, बेसिकली स्लेट स्टोन है,
एक तो जोधपुर साइड आप देखेंगे सैंडस्टोन मिलता है जो लाल या पिंक कलर में होता है, ये ग्रे कलर में स्लेट स्टोन कहते हैं, कुछ इलाकों में मिलता है राजस्थान में, और यहाँ बलवाड़ा करके गांव है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर, यहाँ के सारे पुराने मकान बलवाड़ा के पट्टियों से ही बना है। तो इसकी उम्र आप देखेंगे, काफ़ी सारे मकान ऐसे हैं जो उतार के वापस भी ये चढ़ाया है या दूसरे काम में लिया है, तो नथिंग हैपन्स टू दिस, इसको कुछ नहीं होता है। जैसे RCC की जैसे उम्र 50-60 साल है, इसकी अनगिनत उम्र है, मतलब हजारों साल है। और ये घर भी इन दैट सेंस यस, अगर सारा एडअप किया आपके सारे कंपोनेंट्स ऐसे ही हैं दीवार से लेके छत तक, तो ऑब्वियसली देन घर की उम्र भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। और ये जीना कैसे बना? इसी बलवाड़ा के पत्थर से ही बना है, ये कैंटिलीवर्ड है एसेंशली, ये दीवार में, दीवार के साथ साथ ये सीढ़ी बनी है। आजकल क्या करेंगे, RCC का ये एक चादर बना देंगे, उसके ऊपर ईंट से वो बनाएंगे, है ना। तो ये नीचे से हॉलो है ना, और एक एक पट्टी जो है 15 इंच पूरी दीवार में घुसी है ऐसे। अच्छा, है ना, तो दीवार बंद 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 मतलब के साथ साथ ये सीढ़ियाँ भी खड़ी है। अच्छा। खड़ी हुई है मैं, ये पार्टीशन है, ये वजन नहीं ले रहा है, वजन एक तरफ आया है ना, तो एसेंशली इट्स कैंटिलीवर्ड, और यहाँ के जो वही जो छत जिस पट्टी से बना है वही, तो इसकी मतलब एक तो ये रफ रखा हमने, तो आपको फिसलने की इसकी डर नहीं है। थोड़ा सा ये टेक्सचर लगता भी बड़ा अच्छा है, ऊपर वाला भी नीचे जो है टेक्सचर वही रखने की कोशिश की हमने। इसको प्लास्टर करना या इसको छुपाना या नहीं छुपाना, जैसे ये पत्थर की पिलर है, जैसे वैसे निकला है वैसे ही दिखाया हमने। अच्छा, ये पत्थर का है? ये पत्थर का पिलर है, पूरा जो भी लोड बेरिंग एलिमेंट है ना घर के, वो सब पत्थर पे डिपेंडेंट है ना। तो ये दो पट्टियां हैं, खड़ी पट्टी है ना, और उसके बीच में पत्थर की चुनाई है, और ये सारा चुने का प्लास्टर है। प्लास्टर भी मतलब सीमेंट का नहीं, चुने का है। ये भी पत्थर के पिलर है और पीछे दीवार है। अच्छा, ये चुनवाई में चूने के अलावा और कोई मटेरियल लगता है क्या? बेसिकली चूना और रेत मिक्स करके हमने गरट मंगाई, इट्स बेसिकली पैन मिक्सर मिल, जो जिसमें चूना पिसता भी है और रेत के साथ मिल भी जाता है। तो ये हमने नागौर से मंगाई सिर्फ इस काम के लिए, और वापस उसको हमने सेकेंड हैंड बेच दिया। फिर दो ट्रक चूना हमने मंगाया वहाँ से, और यहाँ फिर उसको गला के रेत के साथ निकाला। तो जैसे आप सीमेंट और रेत लेते हैं, उसी तरह से चूना और रेत पहले हम लेते थे। और उसमें सीमेंट और इसमें फ़र्क क्या है, एक तो चूने की उम्र, चूने के घरों की उम्र बहुत ज़्यादा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, आपके सारे जो किले हैं, हवेलियाँ हैं, सब चूने में ही बने हैं और अभी भी हैं। दूसरा, इसमें थर्मल कम्फर्ट चूने की ज़्यादा है, इन द सेंस हाउस मेड इन लाइम इज मच मोर थर्मली कम्फर्टेबल, मतलब सर्दी में आपको कम ठंड लगेगा और गर्मी में ठंडा, हाँ कम गर्म लगेगा, है ना। तीसरा, चूना कंज्यूम्स फार लेस एनर्जी टू प्रोड्यूस कंपेयर टू सीमेंट। अच्छा, ये भी है कि हम लोग घर बनाते हुए कितना पोल्यूशन, हाँ मतलब कार्बन एमिशन वगैरह बात करते हैं, जो आप अगर उसको निकालेंगे कैलकुलेशन वगैरह, तो सीमेंट यूजेस फार मोर एनर्जी दैन लाइम टू बी प्रोड्यूस्ड। सो ओवरऑल भी हाँ जब बिल्कुल हाँ, मतलब मैं ये भी देखना चाह रहा था कि भाई पत्थर से कितना ऊंचा जा सकता है। 3-4 मंजिल आराम से जा सकते हैं, काफ़ी पूरा, हमारे जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें एक मंजिल ही बनाना था, मतलब फर्स्ट फ्लोर तक। हाँ। आप अगर 3-4 मंजिल आराम से पत्थर में बना सकते हैं। आप चूने के बारे में बता रहे थे, आपको नीचे की दीवारें थोड़ी मोटी लेनी होगी। अच्छा। अगर आप जैसे 4th मंजिल का बनाएंगे, सो योर बॉटम फ्लोर हैज़ टू बी लिटिल वाइडर, तो फीट के जैसे होना, मतलब वो सारा कैलकुलेशन है कि आप हाइट पहले डिसाइड कीजिए, और अगर हाइट आपको चाहिए फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरी पट्टियाँ हैं जो आपने नीचे देखी है ना, पीछे ऊपर एक बेडरूम है, ये खुला छत है, ये किचन के ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ आप देखेंगे, हमें जो टॉप फॉर्म है हमें ढाल में चाहिए था दिखने के हिसाब से, तो यहाँ केलू मिलते हैं गुजरात में, और पुराने घरों में केलू, जैसे ये जो केलू हैं ये हाथ से बनाए गए हैं ना, अब ये मशीन में बनाए हुए हैं। तो इसके नीचे हमने ये डबल रूफिंग किया है, नीचे हमने GI शीट दिया है ताकि बीच में थोड़ा हमें इंसुलेशन मिले 3-4 इंच का, जिससे फिर हीट नीचे का एरिया एकदम से गर्म। आप पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने सिर्फ ये क्यों नहीं लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया, इसमें थोड़ा हमने मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि ये बारिश में और हवा में कभी हिल जाती है तो पानी नीचे आ सकता है, तो अगर हमने नीचे ये लेयर दे दिया GI का, तो पानी कभी आ नहीं सकता। तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, जो हमने जो पुरखों का हमारा ज्ञान है वो भी है, और जो चीज़ें हमने नई सीखी हैं उसको मॉडिफाई किया हमने। और ये इससे ऊपर भी, अच्छा वो टैंक है, वो टैंक का पोर्शन है, उसको हमने ढका ताकि वो गर्म नहीं हो है ना, और पानी फिर नीचे घुसे नहीं, इस हिसाब से हमने उसको ढक दिया है।
ठीक है, और ये इस तरह से आपका एक, तो आपने बताया था मुझे, आप पहले बता रहे थे कि ये पूरा घर कंक्रीट से, पूरा घर माफ कीजिएगा, ये पत्थरों से ही बना है, पत्थर और चूने से, चूने से बना है। इसकी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार भूकंप आ जाएगा अगर, हाँ, तो पत्थर तो मेरे पे गिर जाएगा। नहीं नहीं, हाँ देखो, भूकंप के कोड्स बनते हैं जिस जोन में आप हो, 1, 2, 3, 4, 5 करके, उस हिसाब से रेकमेंडेशंस हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके घर को भूकंप रहित बनाने के लिए। तो हमारे जोन के हिसाब से रेकमेंडेशन ये था कि एक सिंपल हॉरिजॉन्टल बैंड होना चाहिए, जो हमने सारे एक्सप्लोर किया, हमने बैम्बू का भी एक्सप्लोर किया, एगो किया, फाइनली उसमें हमें समझ में आया कि RCC इज़ द बेस्ट मटेरियल सूटेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बैंड। तो हमने RCC की यूज़ इस घर में सिर्फ उसको लिमिट किया है, एक प्लिंथ लेवल पे बैंड है, एक मतलब ग्राउंड फ्लोर के रूफ लेवल पे, और एक फर्स्ट फ्लोर के रूफ लेवल पे। तो इसका काम यह है कि भूकंप जब आए तो एक हॉरिजॉन्टल टाई की तरह काम करे, जब भूकंप आए तो एक साथ घर को हिलाए और उसको तोड़ने से बचाए। मतलब इससे कंक्रीट से ये होता है कि एक एक तरह से, ये जो ये आपको दिख रही है ना जो ब्राउन कलर, ये बेसिकली भूकंप के बैंड हैं ना। सो यू हैव 3 बैंड एंड फिर जो बीच की दीवार है उसको हमने 2 हॉरिजॉन्टल पट्टियों से तोड़ा है। आप ये देख रहे हैं, ये वाला है, ये पूरी की पूरी पट्टी है दीवार की चौड़ाई में, है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि पूरी दीवार को स्टेबल बनाने के लिए, है ना। पॉइंट यह है कि पत्थर की चुनाई अगर आपने देखी हो तो दोनों तरफ के फेस को मैच करते हैं ना, और बीच में फिर ये खाली रहता है। तो अगर अनसपोर्टेड वॉल जैसे 10 फीट रहे तो भूकंप आने में वो फट सकती है। तो ये दोनों पट्टियों का काम ये है कि उसको स्टेबल करें, है ना, फटने से बचाए। और ये पूरी चौड़ाई में है और पूरे घर में है। तो ये जो हाइट है ना, इस लेवल पे पूरे जितनी भी है, नीचे का 350 फीट है, नीचे का 120 फीट कुछ है। तो इतने पट्टियां हमने काट काट के इसके दीवार के ऊपर सेट किया है ताकि ये दीवार स्टेबल बने। अच्छा, तो आपने स्टेबिलिटी पे भी बहुत काम किया है। मतलब इन द सेंस, सो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन अर्थक्वेक व्हाटएवर, या रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये यहाँ के लोकल पत्थर से है और जो बैंड है वो हमने RCC में किया। तो आप कह सकते हैं कि RCC के यूज़ हमने सिर्फ अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बैंड में लिमिट किया है। अच्छा, बाकी आपका पूरा जो कुदरती ज्ञान है हमारा, उसी को आपने इस्तेमाल किया। बेसिकली पॉइंट ऑफ RCC क्यों नहीं यूज़ करें, RCC एसेंशली उसकी उम्र लिमिटेड है क्योंकि उसमें स्टील एम्बेडेड है सीमेंट कॉन्क्रीट में। अगर थियोरी भी आप पढ़ सकते हैं, 50-60-70 साल से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है। तो हमारे केस में हमें ये था कि कम से कम 100-150 साल तक मकान रहे, इतना खर्चा हो रहा है। और जैसे मेरे माता पिता का भी घर है तो उन्होंने भी आशिक बनाए, तो मैं देख रहा हूँ वो सारा भी घड़ के गिर रहा है 50-60 साल बाद। तो पॉइंट ये था कि RCC की यूज़ वहीं लिमिट हो जहाँ इसकी ज़रूरत है ना, एब्सोल्युटली विच इज़ इन एन अर्थक्वेक सिचुएशन टू मेक दीज बैंड। और ये जो बैंड है ये लोड नहीं ले रही है, मेन बात ये है कि ये लोड पूरा पत्थर के लिंटल और पत्थर के वॉल्स पे ही है। इसका काम सिर्फ भूकंप जब होगा तभी है, बाकी ये कोई वजन नहीं ले रही है। तो उस केस में अगर वो टेंशन में नहीं है, अगर वजन नहीं ले रहा है तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है। अच्छा, आपने मतलब RCC लगाया तो भी ऐसी जगह पे प्लेस किया कि उसकी उम्र, हाँ मतलब वो कोई भी अगर ये मान लो टूट भी जाए अंदर से, या मतलब जैसे RCC सटता है ना, तो भी इसको इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वजन सारा पत्थर के लिंटल और पत्थर के दीवार पे है। आपको समझाना पड़ेगा ये बात, कोई नहीं, वी हैव नीचे के लिंटल में आपको बता, चलते है, चलते है, नीचे चलते हैं वापस, आपको बता देते हैं। एक बात ये कहना है कि जो पूरा ये जो फर्स्ट फ्लोर का छत है ना, ये हमने लाइम कॉन्क्रीट में किया है, बेसिकली लाइम गिट्टी, और इसमें हमने मेथी गुड़ और रस्सी मिलाई है। अच्छा, मैं हाँ, ये मटेरियल ये है, एक तो मेथी ठंडा करता है, गुड़ इसको बांध के रखता है, और रस्सी क्या उसको फटने से बचाती है। तो एक पुराना तरीका है जो यहाँ पे चलन में नहीं था, तो हमने नागौर से कारीगर बुला के यहाँ के लोकल कारीगर के साथ 10-15 दिन तक काम करके ये करवाया था। और तो इससे क्या, एक तो ठंडक इसको मिलती है छत को, है ना, और वाटर प्रूफिंग जो रेगुलर RCC छत से ज़्यादा अच्छा है इसका। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, पानी भी रोक लेगा, बिल्कुल, अगर आप ये नहीं बनाते हैं और खुला भी छोड़ते तो ये पानी अंदर नहीं जाने देगा। पुराने टाइम में करते थे, आजकल अब सब RCC आने के बाद वो सब मतलब हम आगे जाने में भूलते जा रहे हैं क्या, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। कह सकते हैं जो अच्छे हैं वो तो रख ही सकते हैं, पर वो भी भूल रहे हैं। अच्छा, ये और ओपन जगह है, एक और बेसिकली ये विंटर वरंडा है, वो समर वरंडा है ना। अच्छा, आपने वैसे भी बनाया हुआ, ये साउथ है,
आप साउथ में देखेंगे आप, ये दीवार ब्लैंक है पूरी, है ना, साउथ की जो दीवार है, तो यहाँ विंडो इसलिए नहीं दिया क्योंकि गर्मी में धूप यहाँ से ज़्यादा आती है, जो 11 से 3-4 बजे तक की धूप, तो इस कारण से दक्षिण की दिशा में हमने खिड़कियाँ नहीं दी है, और पर धूप हमें सर्दी में चाहिए भी, तो हमने इसलिए इसको कवर्ड वरंडा साउथ के साइड में रखा, ताकि आप धूप, जैसे आप, जैसे सर्दी है, आप यहाँ आराम से कुर्सी लगा के बैठ सकते हो, आपको धूप सेक सकते हो, और वही चीज़ गर्मी में यहाँ बहुत ज़्यादा धूप लगी तो आप उस वरंडा में बैठ सकते हो। अब समझ में आता है कि 10 महीने क्यों लगे होंगे सोचने में, तो क्या है, पूरा समझने में लगता है, नहीं तो फिर जो चलता है वही काम हम करते हैं। अगर आपको कुछ अलग से करना है तो कैसे क्या होगा, क्या ऑप्शन है, क्या नहीं है, उसका प्लस माइनस क्या है, वो सब समझने में लग गया। और लेआउट को भी हमने, जैसे दो आर्किट के पास गए तो हर एक की सोच अलग होती है, तो पहले के साथ बैठा नहीं, फिर दूसरे के पास गए तो उतना समय लग जाता है। बाकी आपको रेगुलर मकान अगर बनाते हैं तो फटाफट का काम है, महीने में नक्शा बना दिया, 4 महीने में बीम कॉलम कर दिया, खड़ा खत्म, मतलब 6ठे महीने आप शायद अंदर जा सकते। हाँ, तो वैसा मकान बनाया तो अलग बात है, बाकी इसमें पैसा शायद 200 रुपये स्क्वायर फीट ज़्यादा लगा होगा, 200-300। बाकी पॉइंट, मेन प्रॉब्लम लोगों को टाइम का है, कि इसमें जो समय और जो धीरज रखना है वो लोग आजकल रख नहीं पाते हैं। और खुद करना है ना इसको, खुद मतलब आप करवा भी सकते हो दूसरों से, पर लोगों के पास इतना समय नहीं, उनको लगता है आज शुरू किया मतलब 6 महीने में मैं अंदर घुस जाऊं, तो वैसे में फिर ऐसे मकान नहीं बन सकता है। अच्छा, ये थोड़ा तसल्ली का काम है, अच्छा लगभग 1.5-1.5 साल तो लगना ही है। अच्छा, बनने में। हाँ, अच्छा, एक पत्थर का काम है, पत्थर में चुनाई में टाइम लगती है, इसकी पट्टियों में को सेट करने में, उसको ऊपर का काम करने में, उस सब में टाइम लगता है, पत्थर चढ़ाने होते हैं, पट्टियाँ भी चढ़ाने होते हैं, उसके लोग अलग आते हैं, है ना। आरसीसी तो क्या, मशीन लगा दी, फटाफट चढ़ा दी, बना दिया, फटाफट तो बन जाती है, पर वो लंबी नहीं चलती है ना। और घर आदमी यही सोच के बनाता है कि ये अब मैं यहाँ कुछ वक्त गुजारूंगा, है ना, तसल्ली के। एक चीज़ और आशीष, मुझे इस चीज़ को वाइंड अप करने से पहले जाननी थी कि बहुत सारी चीज़ें आपने जो बताई, ठीक है, सुनने में हो सकता है लोगों को लगे कि यार बड़ा टेक्निकल है वो, तो इंजीनियर, वो बिट्स में पढ़ा, उसको मालूम है, ठीक है, उसने बनाया होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मेरे पास इतना पेशेंस भी नहीं है, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं। तो एक चीज़ मैं थोड़ी साफ आपसे करवाना चाह रहा था कि क्या ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं या बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल किया। एसेंशली ऐसे मकान पहले बनते थे, ऐसा है नहीं, आप जैसे हमने थोड़ा रिसर्च जो किया यहाँ के पुराने गाँव के और शहर के मकान में, वो उस टाइम में बने जब इंजीनियरिंग वगैरह आई भी नहीं थी, है ना, यहाँ के पुराने कारीगर और ये सब उन्होंने किया है, तो ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप एक आर्किटेक्ट को कंसल्ट करके और एक इंजीनियर का सलाह लेके बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बन सकता है, क्योंकि उनके अनुभव के हिसाब से आप कुछ चीज़ें जो है गलतियाँ आपसे थोड़ी रुक जाएगी। बाकी कोई आपको ऑन द स्पॉट हमेशा कोई सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट रहना ज़रूरी नहीं है, आप अपने लोकल कारीगर, आपके जो शहर के गांव के, उनके साथ मिलके ये काम कर सकते हैं आराम से, और कोई भी कर सकता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल, पहले हो चुका है ना, पहले भी काफ़ी सारे मकान जिनसे हमने प्रेरणा ली है, आपको ऐसा मकान दिखा भी सकते हैं आपको टाइम हो तो, काफ़ी साल से हमारे पहले ही बने हैं जिनको देख के हमने ये डिज़ाइन एवॉल्व किया, तो उस समय बने ही थे वो। आजकल क्या है, जल्दबाजी में और इस चक्कर में लोगों के पास पैसा है पर समय नहीं है, है ना, लोगों को चाहिए फटाफट काम, और भाई वो भी कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही कर दूं, तो उस चक्कर में फिर ऐसे मकान नहीं बन पा रहे हैं। बाकी पुराने टाइम में हमारे पास पैसे कम थे, धीरज ज़्यादा था, है ना, तो हम आराम से बनाते थे, एक मकान में 2-3 साल भी लग जाते थे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाते थे, तो अभी भी खड़े हैं, अभी भी रहने में उसकी क्वालिटी और अंदर आप जो सुकून आपको वैसे मकान में मिलता है वो आजकल के मकानों में नहीं मिलता। ये एक चीज़ है, और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अपने घर के बारे में बताने के लिए। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, आशीष से हम ये भी जानेंगे कि ये कैसे होता है कि इनके इनके घर में नल का कनेक्शन नहीं है पीने के पानी के लिए, है ना, जो कुदरत इन्हें देती है ये अपने इस्तेमाल के लिए तो रखते ही हैं और कुदरत को लौटा भी देते हैं उसमें से बचा के, वो कैसे करते हैं वो एक दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। उन सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आपके पास में थोड़ी और तसल्ली है जैसे कि आशीष के पास भी है तो आप YouTube पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। मनोज के साथ डूंगरपुर से मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।